अनुराग कश्यप बॉलीवुड में एक मशहूर फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और अभिनेता है। इनका जन्म 10 सितंबर 1972 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वर्तमान में यह मायानगरी मुंबई में रहते हैं। अनुराग कश्यप बहुत ही कम समय में एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर बन गए हैं। इनकी दो पत्नी रह चुकी है, एक का नाम आरती बजाज, फिल्म संपादक है, और दूसरी का नाम है कल्कि कोचलिन। इनकी एक बेटी है जिसका नाम आलिया कश्यप है। अनुराग कश्यप ने ग्रीन स्कूल, देहरादून, सिंधिया स्कूल, ग्वालियर से अपनी शुरुआती शिक्षा ली है। बाद में ये हंसराज कॉलेज दिल्ली से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई किए थे। अनुराग कश्यप को स्कूली दिनों से ही फिल्मों से बहुत लगाव था। वर्ष 1993 में अनुराग कश्यप का नुक्कड़ थिएटर समूह जन नाट्य मंच जीवन की पहली शुरुआत थी। बाद में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिए और महज 10 दिन में 55 मूवीज देख डाला, जिसके चलते यह विक्रियोगी सिका की बाइसिकल थीव्स से काफी प्रेरित हुए और फिल्में बनाने का मन बनाया। वर्ष 1993 में अनुराग कश्यप 5,000 रुपया लेकर मुंबई पहुंचे थे और इनको कुछ महीने सड़कों पर लगे बेंचों पर समय काटना पड़ा था। यही इनके संघर्ष के दिन थे। इनके करियर में एक अच्छा समय तब आया जब मनोज वाजपेयी ने उन्हें राम गोपाल वर्मा के लिए एक फिल्म लिखने की पेशकश की थी, जिसका शीर्षक सत्या था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। वर्ष 2009 में अनुराग कश्यप ने अपना फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अनुराग कश्यप फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया। फिल्म निर्देशन और प्रोडक्शन के साथ साथ अनुराग ने शागिर्द, ब्लैक फ्राइडे, हैप्पी न्यू ईयर, नो स्मोकिंग, भूतनाथ रिटर्न जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। वर्ष 2013 में फ्रांस सरकार ने इन्हें नाइट ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स के साथ सम्मानित किया था। ये लद्दाख फिल्म फेस्टिवल में भी गए थे।